फ्रेंड्स बहुत अच्छी न्यूज है कि जिन लोगों को 9 और 9C की फाइलिंग में लेट फीस लगी थी और वो पे कर चुके हैं तो वो उसका रिफंड ले सकते हैं। सो लेट स्टार्ट एंड डिस्कस। ये सुप्रीम कोर्ट का करेक्टेड ऑर्डर है जो पहले 3839 आया था, उसमें कुछ करेक्शन किए। अब थोड़ा ब्रीफ करता हूँ क्या हुआ था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था डिपार्टमेंट को कि हाँ हम डेट एक्सटेंड कर रहे हैं एनुअल रिटर्न की और GST ऑडिट की 12 फेब तक आप कोई भी लेट फीस नहीं लगाओगे क्योंकि GST पोर्टल की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो सभी लोगों का एक्सेप्ट कर रही थी रिटर्न। फिर डिपार्टमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को अपील की कि हाँ राजस्थान हाई कोर्ट ने कैसे बोला कि हाँ डेट एक्सटेंड होगी 12 फेब तक, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट वी डू नॉट इंटेंड टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर्स पास बाय द हाई कोर्ट। कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो भी ऑर्डर पास किया हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं और डिपार्टमेंट कोई भी पेनल प्रोविजन नहीं लगा सकता टैक्स पेयर के ऊपर बिकॉज GST पोर्टल कैपेसिटी काम नहीं कर रही थी। और साथ में ये बात भी बोली थी कि हाँ नो डाउट कि 12 फेब के बाद डेट एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं बट 12 फेब तक कोई भी लेट फीस नहीं लग सकती। बट प्रैक्टिकली हमें पता है कि लेट फीस तो 5 फेब से स्टार्ट है, काफी लोगों की लगी है, मेरे पास मैसेजेस भी हैं, स्क्रीनशॉट भी है कि जो भी लेट फीस आपको लगेगी 200 पर डे लगेगी, बट कब से, जब आप लेट फाइल करोगे 12 फेब के बाद। बट जो ऑलरेडी अगर आपको लेट फीस लग गई है उसका आपको रिफंड दे दिया जाएगा विद सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द रिट पिटीशन विल बी रिफंडेड। मीनिंग समझो, ये है पहले वाला ऑर्डर, यहाँ पे करेक्टेड वर्जन नहीं लिखा हुआ और इसमें बोला था कि लेट फीस लगेगी 200 पर डे अगर आप लेट फाइल करोगे 12 फेब के बाद, ये पहले लिखा था। और साथ में लिखा था कि हाँ आप कोई भी पेनल प्रोविजन नहीं लगा सकते टैक्स पेयर के ऊपर क्योंकि ये जीएसटी पोर्टल की गलती है। तो यहाँ पर बोला था कि 12 फेब के बाद लेट फीस लगेगी, ये नहीं बोला था कि जो ऑलरेडी लेट फीस लग रही है उसका रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। 200 पर डे चार्ज होगा अगर आप लेट फाइल करोगे मतलब 12 फेब के बाद, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ रिट पिटीशन विल बी रिफंडेड, मतलब जो ऑलरेडी लगी थी वो रिफंड मिल जाएगा। तो आंसर फिर भाई कि क्या ये सिर्फ राजस्थान के लिए या बाकी स्टेट के लिए भी है, तो गाइज ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब इस ऑर्डर को डाउनलोड कहां से करना है मैं आपको वो बता देता हूं। गूगल पर लिखो सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट और ये फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना sci.gov.in, यहां पर क्लिक करो। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहां पर डेली ऑर्डर्स में, फिर आपको सिलेक्ट करना है यहां पर केस टाइप स्पेशल लीव पिटीशन सिविल, नंबर क्या है 3839, ईयर 2020 आएगा और यहाँ पे 534 ये है मेरा डी, सबमिट पर क्लिक करो। तो यहाँ पे 10 फेब आ रहा है, आप इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको सभी आंसर मिल गए होंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।